स्वैच्छिक रूप से कुपोषित बच्चों के पोषण प्रबंधन की लें जिम्मेदारी। वहीं जनपद रामपुर में कुपोषण से निपटने को जिलाधिकारी अनंजनी कुमार सिंह की जनप्रतिनिधि अधिकारी एनजीओ और समाज सेवियों को अपील जारी। वहीं कुपोषण के कारण बच्चे को शारीरिक व मानसिक दुष्परिणामों का सामना लंबे समय तक करना पड़ता है। यह ऐसा भी हो सकता है कि अति कुपोषण के कारण मंदगति से होने वाली शारीरिक वृद्धि, तार्किक क्षमता, मानसिक विकास आदि की वजह से हमेशा के लिए अल्प शारीरिक विकास के कारण उत्पन्न विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त भी हो सकते हैं। वहीं भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, आशा और ANM घर घर जाकर लोगों को कुपोषण से बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव और सुपोषण के लिए अपनी जीवन शैली में खान पान सहित विभिन्न प्रकार की सावधानी के बारे में जागरूक कर रही हैं। शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के साथ साथ जिला प्रशासन द्वारा भी जनपद में कुपोषित बच्चों की बेहतर देखभाल और उनके बेहतर शारीरिक विकास के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं ICDS विभाग के डाटा के अनुसार जनपद में 6400 अति कुपोषित एवं 25000 कुपोषित बच्चे हैं, जिन्हें कुपोषण की श्रेणी से बाहर निकालना बेहद ज़रूरी है। अति कुपोषण, कुपोषण एवं सुपोषण का निर्धारण बच्चों का उम्र के साथ मानक के अनुसार वजन के आधार पर किया जाता है। जिलाधिकारी अनंजनी कुमार सिंह के निर्देश अनुसार जनपद में चिन्हित अति कुपोषित एवं कुपोषित बच्चों से ऐसे बच्चों के परिवारों का चिन्हीकरण किया जा रहा है जो आर्थिक रूप से इतना सक्षम नहीं है कि वे अपने बच्चे को कुपोषण की श्रेणी से बाहर निकालने के लिए ज़रूरी पोषक आहार प्रदान कर सकें।